दार्जिलिंग टू के थर्ड डे पे हम लोग दार्जिलिंग साइट सीइंग किए थे और वहाँ पे 7 पॉइंट्स बोलता है वो लोग, तो लोकल गाड़ी लेके होटल से हम लोग घूमे थे। तो पॉइंट्स आर बेसिकली दार्जिलिंग टाइगर हिल, बताशिया लूप, भूम मॉनेस्ट्री, पीस पैगोडा, जूलॉजिकल पार्क जो बेसिकली एक जू है, उसके अंदर ये हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूशन, दार्जिलिंग रोप वे, तेंजिंग रॉक, गोंगू रॉक। इसको कभी कभार 9 पॉइंट भी बोला जाता है इंक्लूडिंग शिंगोरिला माउंटेन। तो शिंगोरिला माउंटेन में एक्चुअली स्टे भी है, रहने का जगह भी है, और मिरिक होके अगर कोई शिंगोरिला जाएगा तो बहुत ही बढ़िया टूर है। जो हम लोग नहीं गए थे, ओनली साइट सीइंग किए थे, मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, आप लोग शिंगोरिला में जाके रहिए, वहाँ पे स्टे भी है बहुत अच्छा। करीब 4:30 को आपको स्टार्ट करना है क्योंकि जाने में 1.5 से 2 घंटा लगता है टाइगर हिल। टाइगर हिल में सनराइज देखने के बाद बाकी पॉइंट्स। टाइगर हिल मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाउड के अंदर ही रहता है, देखने को नहीं मिलता है सनराइज, तो वेदर के ऊपर डिसीजन आप ले सकते हैं, बट यहाँ पे क्लाउड भी बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं फुल ऑफ क्लाउड हम लोग रीच किए थे। वहाँ पे 3 पार्किंग है, पहले पार्किंग थोड़ा दूर है, सेकंड पार्किंग थोड़ा और नज़दीक, थर्ड पार्किंग बिल्कुल नज़दीक, और बिल्कुल टॉप में पार्किंग करने के लिए और भी पहले निकलना पड़ेगा आपको। और एक छोटा सा टिप्स है, वहाँ पे प्राइवेट गाड़ी बिल्कुल अलाउड नहीं है, आपको वहाँ पर लोकल गाड़ी लेके आपको घूमना पड़ेगा। वहाँ से लौटते वक्त सूर्योदय हुआ था, सनराइज हुआ था, तो ये पिक्चर अगर देखेंगे तो समझ में आएगा वो क्लाउड के अंदर ही था, फिर भी अच्छा लग रहा था बहुत, क्योंकि वो छोटा सा टाइम में बहुत सा गाड़ी चला जाता है तो बहुत ट्रैफिक जाम होता है लौटते वक्त भी, तो वो टाइम हाथ में लेके निकलना चाहिए। और साथ में फूड एंड वाटर ज़रूर रखिएगा, अगर बच्चा है तो साथ में तो बिल्कुल। टाइगर से लौटते वक्त हम लोगों ने स्ट्रीट साइड का खाया था जो कि बहुत वाकई ही बढ़िया है, आई थिंक वो वहाँ का लोकल डिश है इसलिए। टाइगर के बाद ही आएगा डीप ग्रीन कलर का सुंदर सा टी गार्डन। टी गार्डन पूरा क्लाउड से भरा हुआ था, हम लोग उसके अंदर क्लाउड के बीच में जा रहे थे जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और वहां पे एक्चुअली टी गार्डन जो है स्टेप बाय स्टेप जो उन लोगों ने फार्मिंग करा है वो भी मैं दिखा रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा लगेगा वहाँ पे, एटलीस्ट 1 घंटा बिताइए। उसके बाद आएगा तेंजिंग रॉक एंड गोंगू रॉक। बोला जाता है कि तेंजिंग नोर्गे जी ने यहाँ पे ट्रेनिंग करा था बिफोर एवरेस्ट ट्रेक, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के, पर एक तरफ बहुत ऊंचा ढाल था और दूसरे तरफ छोटा सा, आई थिंक दूसरे छोर पे लोग ट्रेनिंग करते हैं। दार्जिलिंग का जो जू है वो बहुत बड़ा नहीं है, ओके ओके मीडियम साइज का हो सकता है, पर घुसते ही ये 2 बेयर प्लेइंग कर रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और एक्चुअली माउंटेन में मिलने वाले गोट और माउंटेन में मिलने वाले जितना टाइप का एनिमल है वही वहाँ पे मेनली फोकस था। दैट्स बेसिकली अ जूलॉजिकल पार्क नॉट जू, डोंट एक्सपेक्ट दैट मच, बट वहाँ पे रॉयल बंगल टाइगर भी था, लियोपार्ड था, ब्लैक कैट था, ऐसे टाइप के एनिमल्स भी थे, तो अच्छा लग रहा था, बहुत काइंड ऑफ डियर भी थे। आपको में एक हिमालयन उल्फ भी था जो देखने में बिल्कुल कुत्ता या डॉगी जैसा था, बिलीव नहीं हो रहा था, बट दैट वाज अ उल्फ। ज़ू के एंड में ही हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूशन था, तो उसके अंदर बेसिकली म्यूजियम था, हर तरह का इंस्ट्रूमेंट और हर तरह का हिस्ट्री वहां पे प्रिजर्व था। एकदम एंड पे हम लोग देखेंगे जापानीज पीस पैगोडा एंड भूम मॉनेस्ट्री मेल रोड के बिल्कुल नजदीक। पूरा दिन घूमने फिरने के बाद काफ़ी देर रुक चुका था हम लोग, करीब 4-4:30 बजे जाके बबल टी खाए थे एट दी एंड, उससे पहले थुपका और चिली चिकन ये सब बहुत एंजॉय किए थे, बहुत अच्छा लगा था। दोस्तों आज का टूर इतना ही, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट।